हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम सिंगला पर। तो फ्रेंड्स, हजारों संख्या में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का तहे धन्यवाद। एक क्वेश्चन जो हजारों संख्या में हमारे वीडियोस के कमेंट्स के अंदर व्हाट्सएप मैसेज थ्रू पूछा जा रहा है कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है एमएससी मैथमेटिक्स के लिए, एमडीयू बेस्ट है या केयूके बेस्ट है। तो आज हम बात करेंगे क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, कब एडमिशन स्टार्ट होते हैं, सारा कंपैरिजन आज की वीडियो में करने वाले हैं। आज की वीडियो के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन एमडीयू और कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग स्पेशली डिस्टेंस एजुकेशन एमएससी मैथमेटिक्स रिगार्डिंग कोई भी पेंडिंग नहीं रहेगा। डेली हजारों के एक महीने में हजारों मैसेज आते हैं, सर मैं इस रोहतक से हूँ, सर मैं कुरुक्षेत्रा से हूँ, मैं सिरसा से हूँ, मेरे वहाँ यूपी से हूँ, मैं हिमाचल से हूँ, चंडीगढ़ से हूँ, मेरे को कहाँ से एमएससी करना चाहिए, आई एम फ्रॉम गुड़गांव, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो आपको कहाँ से यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कहाँ से आपको एमएससी करना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, आप क्या करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप हाउस वाइफ है, क्या करते हैं आप, क्योंकि दोनों के जो एग्जाम पैटर्न है, दोनों के सिलेबस में दिन रात का अंतर है। और सबसे बड़ी खुशी बात आप सभी के लिए, यदि आपने एडमिशन लिया है या नहीं लिया है, तो आप सभी के लिए एमडीयू और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कोचिंग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं कंपैरिजन के, दोनों डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है। यदि आप हाउस वाइफ हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब करें, आपका सबसे बेस्ट मेथड जो रहना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए आपकी एमडीयू सॉरी कुरुक्षेत्र। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपका एड्रेस कहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैं मोटा मोटा आपको एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, कि रिव्यू कर रहा हूँ कि यदि आप हाउस वाइफ हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रेफरेंस रहनी चाहिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। क्यों रहनी चाहिए, इसका रीजन भी बताऊंगा आपको, और एमडीयू भी बेस्ट है, क्यों होनी चाहिए बेस्ट, वो भी रीजन उसका क्या है। दोनों ही बेस्ट हैं और ऐसा कहीं नहीं कि किसी में आपको रिजल्ट कम आता, किसी में ज़्यादा आता। बहुत सारे बच्चे हैं जो एमडीयू के कहते हैं सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रिजल्ट अच्छा आता है, हमें एमडीयू से नहीं करनी है, मेरी एमडीयू से ग्रेजुएशन है। और जो कुरुक्षेत्रा के स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं सर हमारी ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र से है, हमें कुरुक्षेत्र से एमएससी नहीं करनी, हमें एमडीयू से करनी है। तो ऐसा मन का बहम आपका, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है कि आपको कहीं भी फ्री के मार्क्स मिले दिए जा रहे हैं और कहीं आपको मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप पढ़ते हैं, कितना आप तैयारी करते हैं, ये सारी चीज़ें आप डिपेंड करती है। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड नहीं करती कि कुरुक्षेत्र बेस्ट है, एमडीयू बेस्ट है, ऐसा कोई पैमाना नहीं बना आज तक, ना ही पैमाना होने वाला है। तो आप जितना पढ़ते हैं, जितनी आप तैयारी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, चाहे आप कुरुक्षेत्र में एडमिशन लें, चाहे एमडीयू में लें। अब बात करते कुरुक्षेत्र का पैटर्न क्या है और एमडीयू का पैटर्न क्या है, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, क्या एग्जाम होते हैं, क्या पैटर्न होता है, कब कब अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं, जब यदि बात कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, हमारे पास इसमें एनुअल एग्जाम होते हैं आपके, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स में एनुअल एग्जाम होते हैं आपके, एक साल में एक ही बार एग्जाम होते हैं, जी हाँ। और सबसे बड़ी बात जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अभी स्टार्ट किया, आप देखोगे नोट करोगे, एक बहुत ही बड़ा इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि एक साल में स्टूडेंट्स दो बार अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ। यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो आप जुलाई अगस्त एडमिशन स्टार्ट होंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर तक, तो आपके एग्जाम नेक्स्ट ईयर जून 2022 में होंगे। जब हम बात करें जून 2021 में, हम बात वीडियो में बात करें आपसे, तो जून 2021 में बात करें एग्जाम जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होती है जुलाई अगस्त में, जिनके एग्जाम चलते हैं, जो एग्जाम हम बात करें एडमिशन स्टार्ट होते हैं जुलाई अगस्त से स्टार्ट होते हैं और अक्टूबर तक चलते हैं, ऑलमोस्ट नवंबर भी चलते रहते हैं, दिसंबर भी कई बार चलते रहते हैं, तो वो एग्जाम होते हैं जून के अंदर नेक्स्ट ईयर 2022 के अंदर होंगे। और अभी लास्ट मंथ भी एडमिशन चल रहे थे आपके, वो एग्जाम होते हैं दिसंबर जनवरी के अंदर, जी हाँ। एक साल में आप दो बार एनुअल सिस्टम में एग्जाम दे सकते हैं, मतलब जिन्होंने जनवरी सेशन में अप्लाई किया उनके एग्जाम जनवरी में होंगे, जिन्होंने जुलाई सेशन में अप्लाई किया उनके एग्जाम जून में होते हैं। तो दो बार एक साल में, यदि आप किसी कारण से रह चुके हैं, यदि आप एडमिशन लिए अप्लाई नहीं कर पाए, तो आपके पास हर छः महीने मौका है अभी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये बात की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में, इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या बुक्स बेस्ट हैं, ये भी बात करेंगे। इसके अलावा यदि बात करें, थोड़ा सा रिव्यू करें, कंपेयर करें यदि इसी पैटर्न को एमडीयू के साथ, एमडीयू में जो एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज कर दिए गए हैं। आज से पिछले साल की बात करें, एमडीयू एमएससी मैथमेटिक्स में भी ईयरली एग्जाम होते थे, एनुअल एग्जाम होते थे, बट लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ने बहुत ही बड़ा स्टेप लिया कि एग्जाम को रेगुलर की तरह बना दिया उन्होंने, कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे डिस्टेंस एजुकेशन एमएससी मैथमेटिक्स एमडीयू के अंदर भी, उनके एग्जाम भी हमारे क्या होते हैं सेमेस्टर वाइज कर दिए गए हैं। अभी जिन्होंने अप्लाई किया था पिछले महीने पिछले साल दिसंबर तक, उनके एग्जाम हो चुके हैं अप्रैल के अंदर, जिन्होंने पिछले मंथ तक अप्लाई किया है, मई तक अप्लाई किया, उनके एग्जाम होने जुलाई अगस्त के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के, अभी उनके जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर दिए थे उनके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप यदि आपने एमएससी मैथ करें तो अच्छी बात है, कहीं से भी करें दोनों दी बेस्ट है।
यदि आपने एडमिशन नहीं लिया तो एग्जाम सेंटर हमारे बात करें कुशेत्र यूनिवर्सिटी के भी जो एग्जाम सेंटर है ऑल ओवर हरियाणा अवेलेबल है। यदि बात करें डिस्ट्रिक्ट जींद में भी आते हैं, कैथल कुशेत्रा में भी, पानीपत कनाल कई जगह सेंटर अवेलेबल है इसकी, कुशेत्र यूनिवर्सिटी के भी और एमटीयू के भी पूरे। यदि बात करें ऑलमोस्ट यदि बात करें रोहतक गुड़गांव फरीदाबाद बहुत जगह सेंटर्स अवेलेबल हैं। यदि बात दिल्ली के आसपास बहुत सारे सेंटर्स इनके अवेलेबल होते हैं, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर कि क्या प्रोटोकॉल रहते हैं क्या सिचुएशन रहती है। तो हमने बात की कुशेत्रा यूनिवर्सिटी एमडीयू एमएससी मैथमेटिक्स डिस्टेंस एजुकेशन में क्या डिफरेंसेज हैं और क्या सिमिलरिटी हैं। अब बात करें सिलेबस के बारे में और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं और मेजर इंपॉर्टेंट जो स्टेप रहेंगे कैसे तैयारी कर सकते हैं ये भी बात करेंगे। तो ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि आपको ये कहीं कुशेत्र यूनिवर्सिटी बेस्ट है एमडीयू बेस्ट है, किसका सिलेबस ज़्यादा है, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी बात करते हैं अभी आने वाली क्लास में। तो बात करें कुशेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। उससे पहले आपको यदि कोई भी जानकारी चाहिए आपको सिलेबस के रिगार्डिंग हर तरह जानकारी चाहिए, हाँ आप हमारी वेबसाइट gautamsingla.com पर जा सकते हैं। आप कोई भी जानकारी चाहिए आप लिखें गूगल पे gautamsingla.com, जैसे gautamsingla.com पर जाते हैं आपको हर तरह जानकारी आपको फिंगर प्रिंट्स पे अवेलेबल कराई गई है हमारी जो वेबसाइट है gautamsingla.com। जी हाँ, आपको हर तरह जानकारी एमएससी मैथमेटिक्स की सिलेबस की और क्या एग्जाम पैटर्न है सारे सब्जेक्ट्स डिटेल वाइज आपको प्रोवाइड किए गए हैं। वेलकम टू वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एमएससी मैथमेटिक्स, हमारी वेबसाइट है gautamsingla.com। जी हाँ, www.gautamsingla.com आप विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको सब्जेक्ट कोर्सेज कॉरेस्पॉन्डेंस और सारी यूनिवर्सिटी वाइज आपको जानकारी मिलने वाली है। ठीक है जी, और यदि फ्रंट पेज पर जाते हैं आपको यहाँ भी हर तरह जानकारी अवेलेबल कराई गई है ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो कुशेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स एमडीयू एमएससी मैथमेटिक्स के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको हमारी वेबसाइट gautamsingla.com पर अवेलेबल है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि बात करें आपको लाइव स्पॉट आपको दिया गया हमारी वेबसाइट के थ्रू, आप क्लिक करेंगे आपको लाइव चैटबॉट द्वारा कोई भी क्वेरी है 2400 घंटे आपको हमारी टीम आपको हेल्प करने वाली है। इसके अलावा यदि बात करें आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे गूगल प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को, आप एप्पल आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐप स्टोर पे भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों ही आइकन दिए गए आपको गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर क्लिक करेंगे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल फोन में, और यदि आप एप्पल आईफोन यूज़ करें तो ऐप स्टोर पर हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे क्लिक करेंगे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा हर तरह जानकारी आपके मोबाइल के अंदर आप लैपटॉप पर जहाँ भी हमें देख रहे हैं वीडियोज़ को सारी जानकारी अवेलेबल करवाइए आप सभी को। बहुत ही बड़ा प्रयास है, बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है कि आपको एमएससी मैथमेटिक्स की क्वालिटी अच्छे से प्रोवाइड कर सकें, आप अपने घर पे बैठ के एमएससी मैथ की तैयारी कर सकें, अपने सपनों को घर पे बैठ के पूरा कर सकें। तो ये हमारे पास दोबारा आपको पर आईफोन का लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है, गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप लॉग इन वाया डेस्कटॉप कर सकते हैं, आप लैपटॉप कंप्यूटर में भी आपकी क्लास को किसी भी टाइम कभी भी देख पाएंगे। ये हमारी वेबसाइट्स है, इस पर सारी जानकारी आपको अवेलेबल हमने करवाई है, कोई भी जानकारी चाहिए आपको यहाँ पे क्लिक करें आप। ये डेमो वीडियोज़ हैं, वह सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, ये डिटेल आपको प्रोवाइड की गई है। हम बात करेंगे हमारी जो कंपेरिजन के बारे में बात करते हैं हम कुशेत्र यूनिवर्सिटी और एक और सबसे बड़ी बात की हमारी जो वेबसाइट की सबसे बड़ी बात खासियत क्या है, आप जैसे कॉन्टैक्ट में जाते हैं कॉन्टैक्ट में जाएंगे आपको हर तरह जानकारी 2400 घंटे आपको अवेलेबल है, अभी क्या क्वेरीज हैं आप सबमिट कर सकते हैं वाया चैट विद अस ऑन व्हाट्सएप, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, हमें कॉल भी कर सकते हैं, इवन आप यदि बात करें हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं यदि आपको दी गई जानकारी यहाँ पे हमारे पास हमारी हेल्प नंबर आपको दी गई है, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं sport@gautamsingla.com पर। इसके अलावा आपकी जो क्वेरीज हैं आप सबमिट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज वाया, कैसे कर सकते हैं, आपका नाम लिखेंगे, आपका मोबाइल नंबर लिखेंगे, क्वेरी किस तरह की आपकी एडमिशन रिगार्डिंग क्वेरी है, कोई भी हेल्प की जरूरत है आपको या प्रॉब्लम पर जो भी आपके किसी प्रकार की क्वेरी है, कंसेप्चुअल डाउट्स हैं, प्री परचेज क्वेरीज है, सेंड करें विद इन 30 मिनट्स आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और यदि आप कोर्सेज में जाते हैं हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में जाते हैं आपको और जानकारी यहाँ भी अवेलेबल कराई है हमने, क्लिक करेंगे आप कुशेत्र यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स क्लिक करें टू सेलेक्ट ईयर एंड सेमेस्टर सारी डिटेल जानकारी सारी आपको यहाँ भी अवेलेबल है, एमडीयू की भी हमने अवेलेबल कराई है आपको। तो बात करते हैं हम बात करते हैं कंपेरिजन के बारे में सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस क्या रहेगा हमारे पास यदि हम बात करें कुशेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के बारे में बात करें, ये कुशेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सिलेबस होता है क्योंकि कुशेत्र यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, एनुअल एग्जाम होते हैं, एमडीयू में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। तो कुशेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में हमारे पास 5 एग्जाम होते हैं, फर्स्ट ईयर एडवांस अलजेब्रा, एब्सेट एडवांस अलजेब्रा, सिलेबस आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी प्रोवाइड किया हुआ है और हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं ताकि हम आपको फॉरवर्ड कर दें। आप देखेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट है एब्सेट एडवांस अलजेब्रा, दूसरा आपका रियल एनालिसिस, थर्ड एग्जाम है टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, फोर्थ एग्जाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड फिफ्थ एग्जाम है डिफरेंशियल इक्वेशन।
फर्स्ट ईयर में 5 एग्जाम होते हैं, सेम 5 ही कंपलसरी होते हैं, 80 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स असाइनमेंट बेस्ड होते हैं आपके, डेट इज असाइनमेंट बेस्ड होते हैं बोलते हैं, 3 घंटे टाइम होता है। ये सारा सिलेबस आपको हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवाया हुआ आपको। इसके अलावा यदि बात करिए एग्जाम का सिलेबस आपको देख सकते हैं, अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। यदि बात करें एमडी यूनिवर्सिटी के बारे में, यदि हाँ जी हाँ हम बात करें एमडी के बारे में, तो एमडी का सिलेबस क्या कहता है हमारे पास, एमडी में सेमेस्टर वाइज एग्जाम कर दिए गए हैं। मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। सेमेस्टर वाइज की बात करें हमारे पास एमडी के अंदर 2 सेमेस्टर किए गए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके 5 पेपर होते हैं आपके, जो पहला एग्जाम है सेम एब्सिशन जेबरा, ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट एग्जाम है। पैटर्न के आपके पास 100 मार्क्स एग्जाम होता है, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 20 मार्क्स असाइनमेंट बेस्ड होते हैं। वहाँ पे असेसमेंट बेस्ड थे, यहाँ पे असाइनमेंट बेस्ड है। देखो डिफरेंस क्या है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपके मार्क्स लगाती है, आपके जो परफॉर्मेंस होती है पीसीपी या आपके जो थ्योरी में एग्जाम में मार्क्स आते हैं उसके बेस्ड पे आपके 20 मार्क्स लगाए जाते हैं। बट एमडीयू में क्या आपके पास 80 मार्क्स एग्जाम दोनों में ही होता है, आपका सेमेस्टर वाइज भी और एनुअल भी एक क्षेत्र के अंदर, बट यहाँ पे 20 मार्क्स असाइनमेंट बेस्ड होते हैं। असाइनमेंट यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं वेबसाइट पे, आप उनको सोर्सिंग करके भेजोगे यूनिवर्सिटी को, कॉरियर करोगे या ऑफलाइन देखे आओगे, तो 20 मार्क्स जितने भी असाइनमेंट क्वेश्चन ठीक होंगे आपके उनके बेस पे आपके 20 मार्क्स जज किए जाएंगे। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे पीसीपी होती है या आपका डायरेक्ट एनालिसिस होता है बेस्ड ऑन योर एग्जाम। आज से पहले यदि बात करें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम जो होते थे 20 मार्क्स असेसमेंट होती थी वो टोटली बेस्ड होती थी हमारे पास, किस पे बेस्ड, टोटली आपके एग्जाम पे 80 में जितने मार्क्स आते उतने ही अकॉर्डिंग कंप्यूटर के बेस्ड लगाए जाते थे। तो अभी 80 मार्क्स होते हैं एमडीयू में हमारे पास, एक पेपर में 20 मार्क्स असाइनमेंट होती है, टाइम होता है सेम 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। पहला एग्जाम होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड सेकंड पेपर होता है आपका दैट इज मैथमेटिकल एनालिसिस, ये रियल एनालिसिस का ही पार्ट है बेसिकली, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। यदि थर्ड पेपर के बारे में बात करें हमारे पास दैट इज ऑडिट डिफरेंशियल इक्वेशन। सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंज है, ध्यान दें सिलेबस सेम नहीं है, सिलेबस इज गोइंग टू वेरी, सिलेबस वेरी करता है। फोर्थ एग्जाम आपका दैट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारे पास एंड फिफ्थ एग्जाम है स्टेटिस्टिक्स का। तो ये 5 एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेम आप सिलेबस को देखते हैं सेकंड सेमेस्टर का भी इसी तरह से हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ये पीडीएफ पूरी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल कराई है आपको। तो बात करते हैं हम आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, आपको करना क्या है, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको लिंक मिलने वाला है, आपको हर तरह जानकारी एमडीयू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस की, आपको क्या एग्जाम होते हैं, क्या डेट्स रहते हैं, सारा डिटेल आपको हमारे वेबसाइट्स पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको डिटेल एनालिसिस हमने प्रोवाइड किया हुआ है। एक एक यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड वीडियो आपको अवेलेबल है। बहुत दिनों से बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट से कंपेरिजन करें एमडीयू बेस्ट है कि यूके बेस्ट है, तो एनालिसिस ये कहता है कि दोनों यूनिवर्सिटी बेस्ट है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका एम क्या है। आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा डेट इज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, क्यों एनुअल एग्जाम होते हैं, एक साल में 5 बार एग्जाम दे रहे हैं आपको। एमडीयू में आपको थोड़ा सा एक ये रहेगा कि आपको थोड़ा सा बंद के रहना पड़ेगा, क्यों रहना पड़ेगा, बाउंडेशन रहेगी आपके पास, क्योंकि यार 6 महीने में एग्जाम होते हैं आपके और 6 महीने में 6-7 दिन के लिए 5 पेपर होते हैं आपके और सेकंड पेपर 7 एग्जाम किए गए हैं, तो आपके हर 6 महीने बाद आपको कहीं जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। बहुत सारी जो अलग अलग प्रकार की आपको परेशानियाँ हो सकती हैं, ऐसा नहीं है परेशानियाँ हैं, पढ़ाई में कभी परेशानी नहीं होती, बट यदि आप वर्किंग हैं, यदि आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी साइड बाई साइड कुछ और कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ और कर रहे हैं, तो आपके लिए मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन कुरुक्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि यदि आप हाउसवाइफ हैं तो भी आपको घर से लिमिटेड टाइम जाना पड़ेगा, 5 बार एनुअल एग्जाम देने आपको, आसपास जो भी आपकी लोकेशन पॉसिबल होगी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी, तो कुरुक्षेत्र इज बेस्ट फॉर नॉलेज, तो हमेशा ही बेस्ट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ऑलवेज बेस्ट फॉर नॉलेज, क्योंकि सिलेबस सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का होता है। आपको पता है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हरियाणा सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं क्वालिटी के साथ, नैक की जो A+ ग्रेड आपको क्रेडिटेड है, और सबसे बड़ी बात है कि एनुअल एग्जाम होते हैं आपको, एक साल में 5 बार एग्जाम देने जाना है, इसके अलावा कहीं जाने जरूरत नहीं, आपको पीसीपी भी ऑनलाइन कर दी गई है और किसी प्रकार का आपको सिर्फ पेपर देने के लिए जाना है। एमडीयू में आपको हर सेमेस्टर 6 महीने बाद जाना पड़ेगा, इसके अलावा आपको असाइनमेंट भी सबमिट करवाने होते हैं, बहुत सारी जो प्रोसीजर्स हैं आपको फॉलो करने पड़ते हैं एमडीयू के अंदर, बट कुरुक्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। बात करें फीस की, ऑलमोस्ट सेम होती है, डिस्टेंस या प्राइवेट बोलते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, तो फीस ऑलमोस्ट यदि बात करें डिस्टेंस की होती है ऑलमोस्ट 9-7-8,000 होती है अप्रोक्सीमेटली, चेंज हो सकती है चेक करते हैं आप, प्राइवेट की 3-4,000 होती है अप्रोक्सीमेटली, एमडीयू की ऑलमोस्ट 7-8,000 वेरी करती रहती है, प्लस माइनस 2,000 हो सकती है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं फीस के अंदर और सेमेस्टर वाइज, बट ध्यान दे आप डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। और यदि हमारे रिव्यू लें आप
यदि आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, यदि दिल्ली के आप 100 किलोमीटर के आसपास एरिया में रहते हैं, 120 किलोमीटर के आसपास रहते हैं, तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, यदि आप गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, भिवानी, पानीपत इस तरफ बिलोंग करते हैं आप, सोनीपत, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है MTU, क्योंकि आपको जाने में दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम सेंटर आपके पास होंगे और सेमेस्टर वाइज एग्जाम कर दिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं है, आप लगातार स्टडी में आपसे स्टडी से आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। यदि बात करें कुशेत्र यूनिवर्सिटी की, यदि आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, अम्बाला से बिलोंग करते हैं, पानीपत से बिलोंग करते हैं, करनाल से बिलोंग करते हैं, कैथल से बिलोंग करते हैं, जींद से बिलोंग करते हैं, हिसार से बिलोंग करते हैं, टोहाना से बिलोंग करते हैं, आसपास जितने भी लोकेशंस हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा हमारे पास कुशेत्र यूनिवर्सिटी एनुअल एग्जाम। और यदि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कुशेत्र यूनिवर्सिटी रहेगा। और यदि आप बिलोंग करते हैं राजस्थान से तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा MTU और कुशेत्र, जो भी आपको अच्छा लगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस ऑफ योर फैमिली एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। कोई भी यूनिवर्सिटी बेकार नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, ऐसा कोई पैमाना नहीं होता अच्छी और बुरी का, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी फैमिली सिचुएशन क्या है, बार बार आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आप वर्किंग है नॉन वर्किंग है। यदि आप वर्किंग है तो आपको बाउंडेशन रहती है जॉब के रिगार्डिंग, आप हाउसवाइफ है तो भी आपको फैमिली की बाउंडेशन होती है बहुत सारी, तो उनको आपको टैकल करना पड़ता है, इसलिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है कहाँ से बेस्ट है। तो आज हमने स्पेशल रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की, हजारों बच्चों की रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि सर एक कंपैरिजन करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है MSc मैथमेटिक्स के लिए, कुशेत्रा वर्सेस MDU। आने वाली जो वीडियोस रहेंगी उसमें बात करेंगे हरियाणा की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, यदि बात करें MSc मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, क्या पैटर्न होता है, क्या कट ऑफ होती है। एक बात और कि कट ऑफ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा कुशेत्रा यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में या MDU के अंदर, इनमें ऐसा कोई कट ऑफ बेस्ड सिस्टम नहीं होता। आपने ग्रेजुएशन किए किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी से, आप एलिजिबल हैं MSc मैथ के लिए, डिपेंड करता है आपका जो परसेंटेज यूनिवर्सिटी आपसे दी हुई, 50% जो भी दी हुई आप चेक कर सकते हैं। और एक आता है कि क्या इनके करने के बाद MSc के बाद क्या मैं नेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मेरी MSc में कोई रेगुलर से डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो MSc मैथमेटिक्स डिग्री है 2 ईयर्स की आपको मिलने वाली है रेगुलर की, और डिस्टेंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम टोटली ऑलमोस्ट सेम है, आपको कहीं ऐसा कोई वेटेज कम नहीं है आपकी कि आपने डिस्टेंस से किया रेगुलर नहीं किया आपने। और बात करें आपकी वेटेज सेम है, हर तरह की यदि बात करें डिग्री दोनों की सेम है, तो सबसे बेस्ट ऐसा कोई पैमाना नहीं है, बेस्ट वो जो आपको बेस्ट लगती है, जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी फैमिली बैकग्राउंड और आपको लगता है कि नियर बाई हम जा सकते हैं और आपने जहाँ से पढ़ाई किया मैं कहूँगा वही चूज करें ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको थोड़ा सा उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में प्रीवियस नॉलेज होती है। तो ये था हमारे पास डिटेल एनालिसिस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी MSc मैथमेटिक्स का और MDU MSc मैथमेटिक्स डिस्टेंस एजुकेशन का। कुरुक्षेत्र में एनुअल सिस्टम होता है आपको बताया और MDU में हमारे पास सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, और डिटेल वाइज हमने डिटेल एनालिसिस किया सिलेबस का, कैसे तैयारी कर सकते हैं, जस्ट आपको हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, दोनों यूनिवर्सिटी के सिलेबस आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिलने वाले हैं, हर तरह जानकारी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन हमारी वेबसाइट मिलने वाली है। और लगता है आपको कोई क्वेरीज हैं MSc मैथमेटिक्स रिलेटेड, आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये आपको हमारी हेल्प नंबर आपको अवेलेबल कराई है हमने, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हर तरह जानकारी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अर्जुन हैं, बट हर अर्जुन को अर्जुन शायद पहले शिक्षण चाहिए, श्री कृष्ण की भूमिका क्या, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। एक और बड़ी बात कि क्या MSc मैथमेटिक्स के लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के एक और क्वेश्चन है कि सर क्या MSc मैथमेटिक्स के लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है। कोचिंग एक ऐसा शब्द है जो उसको लगता है कि आपको एक प्रोफेशनल, ऐसा कुछ नहीं है, कोचिंग का मतलब हेल्प होता है आपका, कोचिंग इज नॉट ए सो बिग वर्ड, कोचिंग का मीन्स हेल्प, कोचिंग का मतलब हेल्प, आपको आपके भाई बहन आपके आसपास जो भी नेबर में टीचर जो भी मिलते हैं आपको, आप हेल्प लें, डेट इज कोचिंग। और यदि आप चाहते हैं अपने घर पर बैठ के पढ़ना प्रोफेशनल वे में, किसी भी टाइम किसी भी क्लास को बार बार देखना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन गौतम सिन्हा सर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, और आप हमें व्हाट्सएप करेंगे हमारी टीम आपको विद इन 20 सेकंड आपको लिंक फॉरवर्ड करने वाली है। तो कोचिंग की चिंता ना करें, आप अपने घर पर बैठ के सारे नोट्स, सारे वीडियोज, सारा कंटेंट और MDU के असाइनमेंट के सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। आपका एम जो MSc मैथमेटिक्स जो सपना आपका वो पूरा करना हमारा काम है, आपकी जर्नी के अंदर हमारा जो योगदान रहने वाला है डेट इज बहुत ही बड़ा रहने वाला है, और हमें बहुत खुशी होती है आपसे बात करके, हमेशा प्रयास रहता है कि आपसे जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, ताकि हम आपके जो भी हेल्प कर सकते हैं, जहां बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हम आपकी कर सकें। हमने प्रयास किया कि MSc मैथमेटिक्स के लिए दुनिया का बेस्ट डेडिकेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर सकें, और वो प्रयास सफल रहा है, हजारों संख्या में आज बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज ग्लोबली दे आर गोइंग टू एंजॉय MSc मैथमेटिक्स।
दे आर गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स। तो सबसे बड़ी बात खुशी की है कि डिग्री नहीं लेनी हमें एमएससी मैथ की, हमें नॉलेज भी होनी चाहिए उसके इक्विवेलेंट, ताकि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकें, ताकि आने वाले टाइम में यदि हमें कहीं जरूरत पड़ती है किसी भी डिपार्टमेंट में तो हम अपनी सेवाएं दे सकें। तो मेन दो जॉब था एमएससी मैथमेटिक्स का कि आपका लॉजिकल पार्ट जो ब्रेन का होता है, क्या डिसीजन है लाइफ के अंदर, वो बहुत ही बड़ा पार्ट है। तो उसमें बहुत हेल्प करती है आपकी जो मैथमेटिक्स है, इट इज़ द पार्ट ऑफ योर रेगुलर एंड रियल लाइफ। तो उससे कनेक्ट कर पड़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय मैथमेटिक्स। तो मैं हमेशा कहता हूँ खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहें, और यदि आपने एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया तो एडमिशन लें, तैयारी करें, डिसीजन लें कि एमएससी मैथ करनी है। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से बात करते हैं, कहते हैं सर सपना था, आज 45 ईयर एज हो गई है, 50 ईयर एज हो गई है, क्या मैं एमएससी अब कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, एज फैक्टर स्टडी के अंदर कहीं मैटर नहीं करता। यदि आपका सपना है, यदि आप मेहनत कर सकते हैं, तो आप दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं हो सकती, चाहे आपकी एज 50 ईयर्स की हो, चाहे आपका 20 साल का गैप हो, डिपेंड करता है आप गैप मानते हैं नहीं मानते। यदि आपने सोच लिया कि एमएससी मैथ करनी है तो डेफिनेटली कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और ये जर्नी को आसान बनाना हमारा आपका मिलजुल के प्रयास रहेगा, बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करें लाइफ के अंदर, नए नए एक्सपेरिमेंट करें, सीखें सिखाएं, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आपको मजा आएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ का चार्ज लें, आपको क्या करना है, क्या बनना है, ये आपको सोचना है। तो टेक एक्शन, टेक एक्शन, टेक एक्शन राइट नाउ। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।